सावा के न्यूज को सब्सक्राइब करें और घंटी वाला बटन जरूर दबाएं ताकि हर खबर मिले। नमस्कार, मैं विपिन खुराना, एसवी न्यूज हिसार। मेयर साहब नमस्कार, जिस चेहरे से दिख रही है जितने लाख वोटों से जीता। कल भी मैंने आपको कहा था ना इसी जगह पे, हाँ जी बिल्कुल, लाखों वोटों से जीतेंगे। आज 3 लाख से ज्यादा वोट, 3 लाख से ऊपर वोटों से हिसार की सीट हम जीते हैं। और हरियाणा के रुझान, आपको कल भी आपने मुझसे पूछा था इस बार कितनी सीटें आ सकती हैं, मैंने तो 10 की 10 कहा था। वो मैंने इसी कॉन्फिडेंस से कहा था कि जनता के चेहरे बता रहे हैं। हरियाणा में कई बार घूमने का पूरा मौका मिला है, हर जगह यही माहौल था, हर जगह मोदी जी की रैली थी और मोदी जी को देश का प्रधानमंत्री पूरे भारत देश की जनता देखना चाहती थी। और आज वही नतीजा सबके सामने है, पूर्ण बहुमत की सरकार जनता ने दी है। और आज NDA की 345 से भी ऊपर सीटें जो आ रही हैं, वो एक जनता का जो मैंडेट है, वो एक बहुत बड़ा जो मैंडेट मोदी जी के पक्ष में दिया है, मोदी जी के कार्य को देख के दिया है। मोदी जी ऐसे ही देश की सेवा, राष्ट्र की सेवा करते रहेंगे और भारतीय जनता पार्टी का हर एक सिपाही सेवा के लिए। वैसे अगर बजाज वाले यहाँ पे मौजूद है ना, बता दूं कि मेयर साहब ने प्रेडिक्शन करी थी 330-340 सीटों की, प्लस और वो मेरे ख्याल अभी क्रॉस हो गई। पहला ही नाम शायद आपका ही बनता है जी, सर अगर वो सुन रहे हैं बजाज वाले, सुनिए मेयर साहब को जरूर दिया जाए। सर आप सुन रहे हैं, आपने प्रेडिक्शन हुई थी कल, अभी दे देते हैं। हाँ बिल्कुल, वो प्रेडिक्शन हुई है। आप रवि जो भी मर्जी बोलो सर, मुझे तो सिर्फ इतना जानना है कि मार्केट ने, जो राजगुरु मार्केट एसोसिएशन है, उसने किसको सपोर्ट करा था सर? ऐसा है, पूरी की पूरी मार्केट क्या, पूरा पूरा हरियाणा BJP मोदी के साथ था। नहीं, ये तो हम भावपूर्ण बातों में बैक कर रहे हैं, लेकिन वहाँ प्रोग्राम दुष्यंत जी के बहुत हुए। मैं आप जो पूछ रहे हैं उसी का बात का जवाब दे रहा हूँ, मतलब पूर्ण रूप से दिल से लोग मोदी जी को ही चाहते हैं। नहीं मतलब मार्केट एसोसिएशन में कई फाड़ थे ऐसा कुछ देखा गया? नहीं कोई फाड़ नहीं था। देखो जी, वोट सब अपना वोट कहीं भी कोई डाल सकता है, बट जो भी हमने जिससे भी पूछा सब ने ये कहा जी हमने मोदी जी को ही वोट दिया। राजगुरु मार्केट में शायद 2 प्रधान, एक तो आप हैं, एक शायद अक्षय मलिक जी हैं, वो BJP को नहीं, वो शायद JJP को सपोर्ट कर रहे हैं। ऐसा जी, देखो लोकतंत्र देश है, हर किसी की इच्छा कोई कहीं भी जा सकता है, मगर जो आपने आज रिजल्ट देखा है तो जनता के भरपूर सहयोग जो आपने देखा है, तो आप अपने आप ही आईडी लगा दे लोग मोदी 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 के ही दीवाने थे। बिल्कुल, कुल मिलाकर फाइनल बात एक ही सामने आ रही है कि जो रिजल्ट था वो मेयर साहब ने जो चाहा था, जो सोचा था, जैसा इनकी मेहनत जो सामने रंग ला रही है, ये एक बहुत बड़ा इनके लिए गिफ्ट टेम्पर जो दिया जा रहा है। कल इनकी प्रेडिक्शन पास हुई पूरी तरह से, इन्होंने कहा था 330-340 अराउंड 345। धन्यवाद। ये गिफ्ट लेकर कैसा लग रहा है? ये जो होता ना गिफ्ट जिसको मिलता है, प्रोत्साहन जो मिलता है, उससे हौसला बढ़ता है। आज जो मार्केट वाले हौसला बढ़ा रहे हैं, इनका धन्यवाद करते हैं और आपका धन्यवाद इसलिए करते हैं, याद आपने। बिल्कुल बिल्कुल, आकर अगर एक बात करूं तो हिसार की जनता ने जब तक मेयर साहब मेयर नहीं बने थे तब तक वो सपोर्ट नहीं थी BJP को, जो आज देखने को मिल रही है। आज 3 लाख+ वोटों से, और खास करके हिसार क्षेत्र की अगर बात करूँ, विधानसभा क्षेत्र की, तो 60,000 वोटों से लीड इन्होंने आज दिलाई है। जब एक समय पे कोई समय था कुलदीप बिश्नोई जी के तूती बोलती थी, उस टाइम पे भी सिर्फ 45,000 वोटों की लीड कुलदीप बिश्नोई जी ने ली थी, जब पंजाबी समाज पूरी तरह से उनके साथ होता था। लेकिन उसके बाद आज इन्होंने 36 बिरादरी को अपने साथ जोड़कर वो करके दिखाया है, जिससे शायद मेरा मानना है कि मोदी जी बहुत मिले। कैसा लगा मोदी से? सबसे पहले तो आपने जो कहा ना, ये मोदी जी का चुनाव था, हिसार की जनता ने मोदी जी को समर्थन किया और मोदी जी के पक्ष में वो किया। मैं हिसार की जनता का धन्यवादी हूँ, हम मोदी जी के सिपाही हैं और मोदी जी की सेना है ना, जो राष्ट्र की सेवा के लिए ही बनी है। और मेयर के चुनाव में भी इतना भारी समर्थन दिया था और उसके बाद लगातार हरियाणा की जनता ऐसे BJP को समर्थन दे रही है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि 90 जो विधानसभा क्षेत्रों में चुनाव होना है आगे अक्टूबर में,
मुझे पूरी उम्मीद है कि ऐसा ही संदेश भारतीय जनता पार्टी के नाम अक्टूबर में मनोहर लाल जी के पक्ष में हरियाणा की जनता देगी और एक तरफा वोट करके मनोहर लाल जी को दोबारा मुख्यमंत्री बनाने का संदेश भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जनता देगी। इसी प्रोग्राम में मेरा चौधरी वीरेंद्र सिंह जी से मिलना हुआ तो उन्होंने कहा कि हिसार की जिम्मेवारी मैंने गौतम सरदाना जी को सौंप दी है, उसका मुझे नहीं पता कि क्या होगा। आज जब मैं सुबह वीरेंद्र सिंह जी से मिला, उन्होंने कहा कि हिसार का अगर मैं जीत का शहीद हूँ हिसार की, तो मैं गौतम सरदाना जी का एक नाम जरूर लूंगा। जनता का तो उन्होंने थैंक्स किया ही किया, आपका नाम स्पेशली लिया है। चलो ये धन्यवाद हमका और मैं हिसार की जनता का धन्यवाद करूंगा जिन्होंने मुझे इस काबिल बनाया। भारत माता की जय। आपने कुलदीप का नाम लिया, कुलदीप को तो हिसार की जनता ने मेयर के चुनाव में ही रिजेक्ट कर दिया था और अब अच्छी तरह जो उनको एक संदेश दिया है आदमपुर की जनता ने भी दे दिया आप संदेश कि भाई अब जो है परिवारवाद की और पक्षपात की क्षेत्रवाद की ये राजनीति नहीं चलेगी। और आदमपुर की जनता ने जो संदेश दिया है मैं आदमपुर की जनता को भी सलाम करता हूँ। और जो आज मैं तो समझता हूँ आज असल में आज आदमपुर विधानसभा क्षेत्र आज़ाद हुआ है और भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जो उन्होंने मतदान किया है मनोहर लाल जी के पक्ष में और मोदी जी के नेतृत्व में उन्होंने जो आस्था जताई है मैं उनका भी विशेष धन्यवाद करता हूँ। पूरे हिसार लोकसभा क्षेत्र के मतदान का धन्यवाद करता हूँ। एक क्वेश्चन मैं आपसे अक्सर पूछता रहा हूँ कि अब विधानसभा में आपका अपोजिशन कौन होगा? देखो अपोजिशन नाम की तो चीज़ ही नहीं है, बिल्कुल अपोजिशन नहीं है। हिसार की जनता एक तरफा भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार जो भी टिकट लेके आएगा उसी को जिताएगी और कमल का फूल विधानसभा में। हिसार की जनता ने दो बार आपके सिर पर तार डाला है, एक बार तो मेयर बनाकर, दूसरी बार सांसद आपने बना आपके थ्रू हिसार की जनता ने कहीं ना कहीं उनको सपोर्ट करा, उसके लिए आप हिसार की जनता को प्यार या संदेश कर रहे हैं? हिसार की जनता का हम धन्यवाद करते हैं, हिसार की जनता की सेवा की जिम्मेवारी हमारी है और ऐसे ही भारतीय जनता पार्टी का हर एक सिपाही सेवा करता रहेगा। और हमारे तो पार्टी में नेता नहीं होते चौकीदार होते हैं, आपको पता ही कि सबसे बड़े चौकीदार हमारे नरेंद्र मोदी जी हैं, आगे उनकी टीम है और हर एक व्यक्ति जो आज देश का चौकीदार बनकर अपने मोदी जी को एक मैंडेट दिया है वो उन्होंने इसलिए दिया है कि असली चौकीदार जो है भारतीय जनता पार्टी ही है, नरेंद्र मोदी जी हैं। और आने वाले समय हरियाणा में जो आपको पहले भी बताया मैंने क्योंकि अब चुनाव की तैयारी विधानसभा की चलेगी, मुझे जनता ने मेयर बनाया उसकी जिम्मेवारी बखूबी निभाऊंगा और हिसार में और पूरे हरियाणा में अब आपके माध्यम से ही कहना चाहूँगा कि जनता को कि भारतीय जनता पार्टी को ही जिताना क्योंकि ऊपर आपने सरकार बना दी और उसका फ़ायदा ऊपर जैसे नीचे लेना चाहिए हमें और नीचे भी आप विधानसभा में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाएं और नीचे भी उससे नीचे जो लोकल होती है सरकार वो आपकी पहली भारतीय जनता पार्टी की आप चुन चुके हैं। तो हिसार की जनता का विशेष धन्यवाद, ऐसे ही हमारे साथ प्रेम और आशीर्वाद बनाए रखें। एक लास्ट क्वेश्चन, एक हवा एक लहर सी सुनने में आ रही है, छोटी छोटी लहरें आ रही हैं समुद्र के अंदर कि दुष्यंत चौटाला जी बीजेपी में आ रहा है, क्या ये बात सच है या वैसे खाली हवा? ये दुष्यंत जी का फैसला है, कोई आपकी आपका क्या मानना है ऐसा होगा या नहीं? क्योंकि सुनने में आ रहा है कि इसको जो बीजेपी ने प्रदर्शन कर दिखाया है, हर नेता किसी ना किसी तरह से बीजेपी से जुड़ना चाहता है, बहुत सी वजह सुनने को मिल रही हैं, क्या लगता है आपको आएंगे? दुष्यंत जी का अपना फैसला है, दुष्यंत जी ने 5 साल में आवाज़ तो खूब उठाई सार की जनता की, ऐसे अच्छे व्यक्ति आए तो उनका स्वागत है। थैंक यू। भारत माता की जय।